सिंह बोल बोल बॉलीवुड के साथ लेकर आई हूँ बिग बॉस के संडे का रिव्यू, जो था काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि तोड़े गए हैं घर पे गलतफहमी के बलून। साथ में ही सलमान ने ये बताया कि इस बार कोई नहीं निकलने वाला है घर पे। पहला सुल्तान का अखाड़ा लड़ा गया, वहीं घर के अंदर गई हैं हिना खान। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं आज के दिन, आई मीन संडे के दिन, सलमान के इस वीकेंड के दिन। तो मैं कह सकती हूँ सबसे पहले शुरुआत करूंगी बलून्स तोड़ने में। तो ये गेम कुछ इस तरह था, सलमान ने कहा आप स्टोर रूम में जाइए, एक हेयरबैंड पे 3 बलून्स लगे हुए वो अपने सर पे लगाइए, बाहर आइए और घर वाले लोग को ये कहा कि आप किसके गलतफहमी का बलून्स तोड़ना चाहते, पिन से जाइए और उसे तोड़िए और ये बताइए क्या किस चीज़ को लेकर वो बलून तोड़ रहे हैं। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये था कि सिद्धार्थ दे के बलून सबसे ज़्यादा तोड़े गए, मतलब उनके 3 तोड़े गए, उसके बाद उनके पास 3 और लाए गए वो भी तोड़े गए। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि रश्मि के साथ जो उनका मैटर हुआ था उसके बाद सब सिद्धार्थ दे के काफ़ी अगेंस्ट नज़र आए उस घर में, जो इस बलून टास्क में हमें साफ नज़र आया है। वहीं ये सारी चीज़ें हुई हैं, सलमान ने भी इस टॉपिक को उठाया, उन्होंने ये कहा कि सिद्धार्थ आपने जो बात कहा था वो गलत कहा था कि लोगों के पास काम नहीं है, वो दो शो छोड़कर आई है, कोई यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है। वहीं पे कोई ना मित्रा ने भी ये बात कहा कि ये 3 शो छोड़कर आए, ये बार बार ये बात कह रहे, इनको क्या जरूरत थी शो छोड़ के आने की जब इनके पास इतने सारे काम थे। वहीं सलमान ने सिद्धार्थ दे का सपोर्ट करते हुए ये बात कहा कि जी हाँ, इन्होंने 3 शो छोड़ के आए हैं, ये बात सच है, पर इन्हें पता था बिग बॉस से जो नेम और फेम इन्हें मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा, एज अ राइटर लोग इन्हें और बेहतर तरह से जान पाएंगे। वहीं पर सलमान ने ये भी कहा कि सिद्धार्थ आपके पास ये कोई राइट्स नहीं आप किसी को ये बात कहें कि कोई किसी के पास काम नहीं है और कोई काम छोड़कर यहाँ पर आया, ये बोलने का हक आपको नहीं है। वहीं सिद्धार्थ दे ने काफ़ी ट्राई किया कि वो सलमान को ये बात समझा पाए कि उन्होंने ये क्यों कहा है, पर सलमान ने उस बात को नहीं सुना, उन्होंने उस टॉपिक को वहीं ख़त्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली है। वहीं इस सारी चीज़ों के दौरान ही लोग सिद्धार्थ दे के बारे में काफ़ी बात कर रहे थे, जब वो सुल्तान के अखाड़ा में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वो अंदर गए। वैसे ये चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धार्थ दे, और सिद्धार्थ दे को पता था मैं पूरी तरह हारने वाला है, मेरी हड्डियाँ टूटने वाली है, ये सारी चीज़ें हुई थी। जब वो दोनों सुल्तान के अखाड़ा में अंदर गए तो बाहर ये बात चल रही थी सिद्धार्थ दे ने जो किया है वो गलत किया है, एज अ राइटर उनको ये काम नहीं, उनको इतनी अक्कल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सुनकर शहनाज को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, शहनाज ने ये भी बात कहा कि ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। तो शहनाज ये सारी बातें सुन के जब ज़्यादा मैटर बनने लगा, शहनाज वहाँ से उठ के कमरे के अंदर चली गई और कमरे के अंदर जाके वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठी हुई थी, पर सलमान और घर वाले लोग के बुलाने के बाद वो बाहर आई और उन्होंने ये कहा कि वो अंदर क्यों गई है। उन्होंने सलमान को ये बताया कि आप वो एक राइटर हैं ये समझ में आता है, पर उनके आप काम पर मत जाइए, हाँ वो उन्होंने गलतियाँ की हैं, आप उस गलती को लेकर बात कीजिए, पर आप बार बार ये मत कीजिए राइटर हैं उनको ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शहनाज अपने दोस्तों का साथ साफ तौर पर करते देते हुए नज़र आती हैं। वही सुल्तान के अखाड़े की बात करूं तो सबसे पहले दोनों जन को ये कहा गया था, दोनों सिद्धार्थ को, कि आप अपने बारे में ये बताइए कि आप बिग बॉस का घर में क्यों रहना चाहते हैं और अब विनर क्यों बनना चाहते हैं। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। तो जैसे हम जानते हैं सीटियां बजानी थी बाहर, जिसके ऊपर सीटी सबसे ज़्यादा बजेगी वही विनर होगा उस फर्स्ट इसका राउंड का। तो जी हाँ, जैसे हम जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के लिए वो बजता सीटियाँ, क्योंकि सिद्धार्थ दे के सब अगेंस्ट है तो उनके लिए 1 या 2 या 3 सीटियाँ बजी हैं, बाकी सब सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बजी है। तो फर्स्ट राउंड वो जीते और सेकंड राउंड की अगर मैं बात करूँ तो 2 बार पटकना था, जो दोनों बार सिद्धार्थ दे ने ऐसा कहा कि आप मुझे पटक दो मुझे चलेगा, तो सिद्धार्थ शुक्ला इस तरह के उसके विनर बने थे, वो बाहर आए। तो फिर थोड़ी बहुत हंसी मजाक हुई, वैसे जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि शहनाज जितनी डम नज़र आती उतनी डम वो बिल्कुल नहीं है, पर आज उनके डमनेस की एक और चीज़ नज़र आई, जहाँ पे सलमान ने उनसे कुछ सवाल पूछा कि अगर मुर्गा इतने अंडे देगा तो कितना अंडे बचेगा। तो जैसे हर किसी को पता था मुर्गा अंडा नहीं देता है, पर शहनाज का इतना डम आंसर था, उन्होंने कहा कि मुर्गा नहीं होगा तो मुर्गी कैसे अंडा देगी, इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसे हुई थी। वही सलमान ने ये कहा कि आप बहुत जल्द मुंबई की कटरीना कैफ बनने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, सलमान को कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं वो भी काफ़ी मज़े लेते हैं शहनाज के साथ। वैसे शहनाज चाहे जैसे भी हैं, वो जैसे भी रिएक्ट करिए, पर उनको पता है ऑडियंस का प्यार किस तरह पाना है और लोग उन्हें बाहर सच में बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से घर के अंदर वो जितना ज़्यादा इंटरटेन कर रही, वहीं बाहर भी वो लोगों का दिल जीतने में पूरी तरह काबिल हुई हैं। ये सारी चीज़ें घर के अंदर हुई हैं। वहीं हिना खान घर के अंदर गई हैं, हिना खान जब स्टेज पे आई तो सलमान ने उनसे काफ़ी बातें की, सलमान ने उनकी बहुत तारीफ़ की, उनको उन्होंने सलमान ने उनको ये कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत बिजी रहती हैं, आप काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। इस चीज़ पर हिना खान ने कहा जी हाँ, आफ्टर बिग बॉस मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, क्योंकि मैं एज अ हिना अपने आप को प्रेजेंट कर पाई हूँ, जहाँ मैं ये रिश्ता क्या कहलाता कि एक अक्षरा बहू के रूप में थी, वहीं लोगों ने बिग बॉस से ये जाना कि हिना खान कैसी है, और उस चीज़
उसके बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बदली है, अब मुझे हिना खान समझ के काम मिलता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सलमान ने उनको ये कहा कि जी आप घर के अंदर जाइए अपना एक सुपर मार्केट लेके और वहाँ आप लोगों को एक एक सामान बोलिए उठाने के लिए। तो इस तरह का कुछ टास्क था, पर हिना खान अंदर जाने से पहले एक छोटा सा विजुअल्स लोगों को दिखाया था उन्होंने, और उस विजुअल्स में ये था कि जब सलमान ने उनसे पूछा कि इस घर में किसका कनेक्शन सबसे ज़्यादा है, तो उन्होंने दो लोगों का नाम लिया। एक तो उन्होंने पारस और शहनाज का नाम लिया, जो काफ़ी नॉर्मल नाम था, ये हर कोई जानता है। वहीं पे उन्होंने रश्मि और सिद्धार्थ का नाम लिया, उन्होंने बोला इन दोनों के बीच में भी बहुत अच्छा कनेक्शन है और आने वाले वक्त में शायद ये कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वहीं पर शहनाज और पारस का एक विजुअल्स दिखाया गया जहाँ पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे ब्लैंकेट के अंदर, जो काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छा मोमेंट वो नजर आ रहा था, जो सलमान को भी नजर आया। तो ये सारी चीजें थी जब हिना खान घर के अंदर गई अपना सुपरमार्केट लेके, तो सबसे पहले देबुलीना को वहां पे बुलाया गया। देबुलीना से उन्होंने ये कहा कि अगर आप माँ का मैसेज पढ़ना चाहते हैं या घर वाले लोग के लिए कुछ लेकर जाना चाहते हैं, तो देबुलीना ने ये कहा कि मैं घर वाले लोग के लिए कुछ लेकर जाना चाहती हूँ, आई होप सो मेरी माँ अच्छी होगी। ये चीज़ करने के बाद उन्होंने वहाँ से एक पोहा उठाया और वहाँ से चली गई, और घर के अंदर जाके वो काफ़ी रोई हैं। उन्होंने बिग बॉस से ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर मेरी माँ की तबीयत ख़राब है या जो भी है, प्लीज़ मुझे वो मैसेज ला देना, क्योंकि मैंने पोहा इसलिए चुना क्योंकि घर पे कल नाश्ता नहीं है और मैं चाहती थी लोग कोई भूखे ना रहे, इसलिए मैं पोहा वहाँ लेकर आई हूँ। वैसे देबुलीना के बाद पारस एक ऐसे घर के सदस्य थे जिन्होंने घर के लिए कुछ चुना था, उन्होंने चॉकलेट चुना था। बाकी अगर मैं हर किसी की बात करूँ तो किसी ने अपने फैंस के मैसेज सुना, किसी ने पब्लिक रिव्यू को देखा, तो किसी ने अपने फैमिली वाले लोगों से बात किया है। बाकी अगर रश्मि की बात करूँ तो रश्मि ने अंकिता लोखंडे का मैसेज पड़ा है और अंकिता ने उनको ये कहा है कि रश्मि आप बहुत रिजर्व नज़र आ रही हैं, आप वो रश्मि नहीं नज़र आ रही जो रश्मि हम जानते हैं, जिस रश्मि को हम जानते हैं, जो रश्मि बिंदास है, जो रश्मि सब कुछ करती है, पर वो रश्मि यहाँ नहीं प्रेजेंट आ रही है, वो रश्मि आज भी बहू के अवतार में है। प्लीज़ आप खुलिए और बाहर निकलिए और लोगों को ये बताइए कि रश्मि क्या है। ये सारी चीज़ें होने के बाद हिना ने भी उनको यही बात कहा। हिना ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उनको कहा कि मैं आपसे और देबुलीना से यही बोलना चाहूँगी, आप लोग जो हो वो रियल में प्रेजेंट होइए, क्योंकि आप मुझे भी देखिए, मैं यहाँ पर एक बहू का फेस लेकर आई थी पर मैं बहू नहीं थी, मैं हिना खान यहाँ पे लोगों के सामने प्रेजेंट हुई, मुझे नफरत मिला, मुझे प्यार मिला, पर जो भी था एटलीस्ट मैं वो हिना खान बाहर निकली हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी वही दिखे जो आप यहाँ पे बन कर आए हो। बिग बॉस में आने का मतलब ही यही होता है कि अपने आप को रियल आप दिखा सको, आप वो दिखा सके आप जो हो। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। वहीं पर शहनाज और शेफाली ने अपने पापा का मैसेज रीड किया जहाँ पर उनके पापा ने उन्हें ये कह रहे थे कि आप दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हो, प्लीज़ आप लोग इसी तरह खेलते रहिए, आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो, इस तरह का उनके पापा का मैसेज आया था। वहीं पे आरती को लेके हिना खान ने उनके भाई का मैसेज, कृष्णा अभिषेक का मैसेज उन्हें सुनाया, जहां पे कृष्णा अभिषेक उनको ये कह रहे थे आप लड़ाकी हो, आप बिंदास हो, आप मुफ्फट हो, पर इस घर में आप कान की कच्ची नजर आ रहे हो, आपको जो लोग कह रहे हैं आप वही करते जा रहे हो। आरती आप घर के अंदर आने से पहले भी आपने मुझसे पूछा था क्या मैं वो आरती बनूं, मैंने यही कहा था कि तुम जो आरती हो वहां जाओ और फाड़ दो सबको, पर ऐसा नहीं हो रहा है आरती, तुम वो नहीं नजर आ रही हो जिस आरती को हम और हमारे घर वाले जानते हैं, जो लोग जानते हैं। आरती को उस चीज़ का काफ़ी बुरा लगा, आरती काफ़ी रोई। हिना ने भी उनको यही कहा कि आरती प्लीज़ आप अब वो आरती बन के बाहर आइए जो आरती आप हो। तो हम अगर आरती की बात करें तो आरती को लेकर सैटरडे को भी सलमान ने यही बात कहा था, जहाँ पे आरती के अंदर काफ़ी बदलाव उस चीज़ को लेकर आया था। ये सारी चीज़ें हुई थी। वहीं सलमान ने स्टेज पर एक लेटर पढ़ा था, मतलब ये था कि एक दूसरे के लिए लेटर लिखना था, और उस लेटर को उन्होंने पढ़ा जहाँ पर सिद्धार्थ दे और शेफाली की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री नज़र आ रही थी, उन्होंने एक दूसरे के लिए प्यार भरा लेटर लिखा था, और सेना और शेफाली ने उनको एक बात भी कहा था कि मैं बाहर जाके इनके साथ कनेक्शन ज़रूर बनाना चाहूँगी। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि और पारस और शहनाज के अलावा हम सिद्धार्थ और शेफाली की भी एक बहुत अच्छी लव स्टोरी देखने मिल सकती है, पर ये लव स्टोरी के कनेक्शन आगे बढ़ेंगे कि टूटेंगे ये पता नहीं। वहीं पे कोयना मित्रा को लेके हिना खान ने ये बात कहा कि जब उन्होंने अपनी पब्लिक रिव्यू जानना चाहा तो हिना ने ये कहा कि आपके अंदर बहुत अच्छा लीडरशिप है, आप प्लीज़ वैसे ही रहिए, क्योंकि आप बहुत समझदार है, लोग आपको बाहर बहुत पसंद कर रहे हैं, आप चाहे जैसी भी हैं आप प्लीज़ वैसी ही बने रहिए। कोयना को ये बात बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं पर सलमान ने नॉमिनेशन को लेकर ये खुलासा किया कि इस बार घर से कोई नहीं जा रहा है, हर कोई बचा हुआ है पर अगले हफ्ते ज़रूर जाएगा, इसलिए अपना गेम खेलना अब चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप खेलोगे नहीं तो घर में टिकोगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें बिग बॉस हाउस में संडे के इस स्पेशल एपिसोड में हुआ है। पर आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर टेलीविजन, बॉलीवुड, बिग बॉस सारी खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए बोल बोल बॉलीवुड।